परमा दिग्गज जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊँ आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम आउ प्रणाम कार्यक्रम आरंभ रे आम माँ को नीरव ध्यान करने मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सह आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने आमे बरपाली बरगढ़ रु सौरभ महाराणा सौरभ भाई को अनुरोध करुचु सौरभ भाई आपण मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु पृष्ठ संख्या 327 साइलेंस सावित्री कैंटो 3 द हाउस ऑफ द स्पिरिट एंड द न्यू क्रिएशन द वंडर एंड ब्यूटी ऑफ इट्स लव एंड फोर्स द इटर्नल गॉडेस मुक्त इन हर कॉस्मिक हाउस Sporting with God as a mother with her child. To him, the universe was her bosom of love. Its toys were the immortal varieties. All here self-lost had there its divine place. The powers that here betray our hearts and err were there sovereign in truth, perfect in joy. Masters in a creation without flaw, possessors of their own infinitude. Their mind, a splendid sun of vision's rays, shaped substance by the glory of its thoughts, and moved amidst the grandeur of its dreams. Imagination's great and swirling rod summoned the unknown and gave to it a home, outspread luxuriantly in golden air, truth's iris-colored wings of fantasy, or sank to the intuitive heart of joy. Wondrous dream notes that bring the real close. Its power that makes the unknowable near and true in the temple of the ideal shrine, the one. In peopled thought and mind and happy sense, filled with bright aspects of the might of God. And living persons of the one supreme, the speech that voices the ineffable, the ray revealing unseen presences, The virgin forms through which the formless signs, the word that ushers divine experience, and the ideas that crowd the infinite. There was no gulf between the thought and fact. Ever they replied like bird to calling bird. The will obeyed the thought, the act the will. There was a harmony woven twixt soul and soul. A marriage with eternity divinized time, their life pursuit unwearied of her sport, joy in her heart and laughter on her lips. धन्यवाद भाई यतेबळ जाई मंत्रमय सावित्री सह आमी नीरव पर ध्यान करथले मांकु वर्तमान समय हेची ओटे कार्यक्रम रे ओटे मातृवंदना गान करबा पई आजर कार्यक्रम रे मातृवंदना टी गान करबा पई आमी ढेंकानाळ रो ममता आपा आम अनुरोध करुचु ममता बेहरा ममता आपा आपण गोटे मात्र वंदना गान करंतु नील आकाशर जह्न तुमे को मुझे को जलाधर तुम सुमधुर छवि साईते छि मुग्ध हृदय मोर मुग्ध हृदय मोर नील आकाशर जह्न तुमे को मुझे को जलाधर तुम सुमधुर छवि साईते छि मुग्ध हृदय मोर मुग्ध हृदय मोर चेतनारे मोर आशा नीति हुई चेतनारे मोर आशा नीति हुई फुटाई आत्मार टिकी नील कई फुटाई आत्मार टिकी नील कई मु एक चक्र झुरे तुम पाई मु एक चक्र झुरे तुम पाई जराई नयनु नीर जराई नयनु नीर नील आकाशर जह्न तुमे गो
मुझे का जलधर तुम सुमधुर छवि साहित्य मुग्ध हृदय मोर मुग्ध हृदय मोर मो प्रेम कर रे हे चिरबंदिनी मो प्रेम कर रे हे चिरबंदिनी चंद्रमा ढल गो आशीष चांदिनी मो प्रेम कर रे हे चिरबंदिनी चंद्रमा ढल गो आशीष चांदिनी झलमल कर तुम्हारी आलोके झलमल कर तुम्हारी आलोके जीवन लहरी मोर जीवन लहरी मोर नील आकाशर जह्न तुमे गो मुझे क जलधार तुम सुमधुर छवि साहित्य मुग्ध हृदय मोर मुग्ध हृदय मोर मुग्ध हृदय मोर धन्यवाद बापा बहुत सुंदर प्रार्थना टी रघुपाड़ी भाई रचन रु आप गान कले बहुत भाव धन्यवाद बर्तमान कार्यक्रम गोटे आलोचना करने आज आलोच्य विषय की रही नॉलेज एंड सुप्रामेंटल ज्ञान और अतिमानस ये हूँ मातृरचनावली तृतीय खंड विषय मातृरचनावली तृतीय खंड टू आम धारावाहिक भाव में प्रताप भाई आलोचना करपाड़ कोरापुट रु आज भाई टॉपिक रही आलोच्य विषय रही नॉलेज एंड सुप्रामेंटल ज्ञान अतिमानस माँ जो प्रश्न उत्तर कार्यक्रम रही 23 जून 1929 पॉइंट रही नॉलेज एंड सुप्रामेंटल ज्ञान अतिमानस भाई को अनुरोध करवा भाई आप आलोचना जारी रखत प्रताप भाई कोटपाड़ कोरापुट श्री माता शरणम श्री अरविंद शरणम एवं दूर दूरांतर ऑनलाइन एक्सपीरियन पाठ चक्र मध्यम जोड़ी माँ को भल पाता श्री अरविंद को भल पाता विश्वास रखिता समस्त अपा भाई मान को सश्रद्धेय नमस्कार आज विषय वस्तु माँकर महाप्रायण दिवस आम गत काली पालन करिछु एवं आसंता 20 तारीख रे तांकर महासमाधि दिवस एवं 24 तारीख रे सिद्धि दिवस और दर्शन दिवस को पालन करिजबा आम्भे माने वर्तमान जो समय टी चली 17-24 एक सुंदर दिन गुड़िक समय माँ को साक्षात उपस्थिति अनुभव करने सहज होता है तेणु आम आज जो विषय वस्तु की आलोचना करवा भाविवा जपरी प्रश्न गुड़िक आम माँ को पचार तार उत्तर दौरान एवं आज जो प्रश्न गुड़िक अति आग्रह दीपक प्रश्न जड़े माँ को प्रश्न करे जोगी कौन एपरी एक चेतना स्थित उपलब्धि कर जोठारे थी से सबकि जापर सबु प्रश्नर उत्तर दे पार कि जटिल वैज्ञानिक समस्या उदाहरण स्वरूप आपेक्षिकता तत्व विषय जावतीय प्रश्न उत्तर दे पार आउ थे प्रश्न जड़े जोगी कौन एपरी एक चेतना स्थित उपलब्धि करो ठारे थी
से सबु कथा जानिपारिबो सबु प्रश्नर उत्तर देइपारिबो एपरिकि जटिल वैज्ञानिक समस्या उदाहरण स्वरूप आपेक्षिकता तत्व विषय जावतीय प्रश्नर उत्तर देइपारिबो मांकर उत्तर होची सिद्धांत तत्व दृष्टि एक कहवा संभव जे जड़े योगी पक्ष सब जानवा मोटे असंभव नहे किंतु सबकि से योगी से केते उपलब्धि करथिबा योगी बा योगरे केते अग्रसर होइथिबा योगी ता उपरे ताहा लक्ष्य ता उपरे निर्भर करथाय या नहे जे योगीर अर्थ से सबकि जानिथ योगीर अर्थ से कौन ता जीवन भितर कौन अर्जन करिछि ता उपरे से निर्भर करिवो किंतु जने जदि योगी चाहिबो आंतरिक हबो ताहले ताकु कौन से असुविधा नै सब जानिबा पा पृथ्वी रे एपरि कौन से समस्या नै जार समाधान से जानि परिबो नै बा कौन से प्रश्न एमिति नै जार से उत्तर से जानि परिबो नै किंतु मा कहउछन्ति ज्ञान ज्ञान मध्य जो सर्वदा गोटे प्रभेद रही से कथा को आमको जानवाक पड़ जमती आम मनर जमती जाने से रीति रे योगी जड़े कदापि जाने ना मन प्रत्येक विषय को खंड खंड करी ताकु एनाटॉमी करी काटी कुटी प्रत्येक विषय बुझा चेष्टा करे जानवाक चेष्टा करे किंतु जड़े योगी सेपरि ही जानवो सेटा कदापि नुहे ता पाखरे गोटे योगी पाखरे सबकि प्रश्नर सम्बन्धीय सबकि जावतीय तथ्य मजूद रही भितरे विश्व ब्रह्मांडर जावतीय तथ्य गच्छित हो रही था ता भितरे माँ गोटे कथा कहते गोटे प्रकार विस्मयकारी एवं असाधारण सर्वज्ञान कोश ता भितरे मौजूद रही था विभिन्न वस्तु और विभिन्न व्यक्ति विभिन्न शक्ति सहित समतुल एक गतिशील भाव एकात्म हो पारिबा लागि योगी भितर एक सामर्थ्य रही बोली योगी जहा किछि जानि पारे योगी ए मनोरीति रे जाने ना योगी केमिति जाने ना कौन से जिनस विषय जानवाक चाहिए से जिनस प्रति एकाग्र हुए किसी सहज अर्थ बुझा गोटे नलेज अच्छी आम इंद्रिय मान को प्रयोग करके आम कि जानू जदि किसी गोटे जंत्र किसी समस्या है को जगार गोटे नट टी फिटी जाए आम जिते बार जी से कम जाने से कम जो मेकानिक पाक नौ ना मेकानिक कौन करे ताकु खोले खोलिकी से देखे मैंने तार दर्शन इंद्रिय को प्रयोग करे कौन फल्ट अच्छी ताकु रिपेयर करे किंतु जड़े योगी से परी करे नी से जाने ता भीतरे कौन अच्छी केमती जाने ना से वस्तु सहित तो एकाग्र है गोटे छोटिया उदाहरण देखिबा सान सान शिशु माने से जदि किछ असुविधा हुए ताहले से माने तो सेतबेले से मानकर समस्या बा तांको भीतरे कौन असुविधा तांको माँ को किंबा बापा को जणैबा पई तांको पाखरे कथा को कहू न थांती से माने जाने जणै न पारंती नहीं से समय रे किपरी निजर माँ ता निजर माँ तार समस्या तार कौन असुविधा है जानी पारे एथिपे जानी पारे कौन पाए से पिला सहित तो माँ एकात्म हो जाए माँ को जीवन कहानी भितरे गोटे उदाहरण टे नवा माँ को पाखरे गोटे घंटा टे थिला कांत घंटा जहा कि
फास्ट हो जाऊला माने से ठीक भाव समय देखे पार नथिला समय कंटा टे द्रुत गति से चलुला दिन को सी जो निर्धारित समय रु टे आगे चलुला तेणु गोटे वाच मेकानिक को डाकि आणले साधक मैंने वाच मेकानिक स्टडी कले स्टडी करी कहले से समय पेंडुलम घंटा थाए तले गोटे पेंडुलम झुलु थाए से कहले जदि पेंडुलम को टिके लंबा करा जाए ताहले ये ठीक चलिबो किंतु मां कहले नहीं ये पेंडुलम को छोट करिवाक पड़ो मां तो मेकानिक नहुंती मां केमती जानले को छोट करिवाक पड़ो तेणु कौन कले से मां चुप रहले एवं से मेकानिक कौन कला तार पेंडुलम टू बढ़ेला देखला से अधिक तीव्र बेगर चलता तापर माँ को प्रकार छोट करागला एवं से घंटा टी ठीक चलला तेणु साधक माँ को पचारे माँ तुम्हें तो केवे घंटा विषय जान नथिल केमिति जानिल कि तुम्हें से घंटा कौन करिया पड़ो ना ता पेंडुलम को छोट करिया पड़ो माँ उत्तर देले से घंटा सहित तो एकात्म हो से घंटा सहित तो एकात्म हेले से घंटा कहब तुम ता भितर कौन समस्या टी अच्छे से अनेक फूल मान पाख एकात्म होकर आध्यात्मिक अर्थ टीए बाहर आम मान को कही प्रत्येक फूल भितर से एकात्म होती कौ प्रकार आस्पृहा से करुच्ची लक्ष्य कर माँ गोटे प्रत्येक फूलर गोटे आध्यात्मिक अर्थ दे तेणु जोगी ए मन द्वारा जाने ना जोगी जाने से पाखे गोटे पावरफुल जानवा इंस्ट्रूमेंट अच्छी से नॉलेज बाय आइडेंटिटी आइडेंटिटी एकात्म है से सब किसी जाने माँ कहते जदि आम यथार्थ चेतना भितरे अवस्थान करुवा तेबे आमर ज्ञान सत्य ज्ञान रे मध्य परिणत हो पारिबो आमे सबु किछि प्रत्यक्ष ज्ञान भी अर्जन करि परिबा आमे जहा किछि जानु ता सहित एकात्म हो रहिबा द्वारा आमे ताहा कहि परिबा जदि आम सम्मुखरे कौन से एक समस्या को आनी उपस्थापित करा जाए कौन से एक निर्दिष्ट विषय कौन करा उचित बोली पचरा जाए तेबे जथेष्ट एकाग्र एक संकेन्द्रित भाव से विषयटी अवलोकन करी तुम्हें स्वतःपूर्त भाव ही आवश्यक ज्ञान और यथार्थ उत्तर टीए लाभ करी पारी अनेक जगार एमती हुए कि विभिन्न जगार जमी माँ को कार्य इंस्पिरेशन अनुसार काम करा जाए जेते बड़े माँ का जेते बड़े किसी घर करुचु आम से समय रे वास्तु को देखा जाए ना वास्तु गोटे गोटे ज्ञान रही ठीक भाव ठीक भाव उपयोग करिबा से ज्ञान को ठीक भाव जानी पंडित माने भी संख्या कम अच्छी से समय जो जड़े से समस्या को लेकिन एकाग्र हम संकेन्द्रण हम मन को नीरव कर पूरा पूरी से समस्या उपरे एकाग्र हम ताहले देखा जाए समस्या रो उत्तर टी बा समस्या रो समाधान रो सूत्र टी मिल जाए तेणु माँ कहते आमको एकाग्र एवं संकेन्द्रित हेले से विषय रे जहा किछि जानिबा कथा जहा किछि रो प्रश्न रो उत्तर आमे लाभ करि परिबा जने जोगी जो ज्ञान लाभ करे ता हूँ प्रत्यक्ष ज्ञान सीधा सड़क ज्ञान एकात्मता द्वारा एकाग्रता एवं संकेन्द्रण द्वारा
जो ज्ञान टी पाई हुए से हूँ डायरेक्ट नॉलेज प्रत्यक्ष नॉलेज जमती कौन सी जनक सहित कौन सी घटना टे घटी जड़े मन कर जनकर कि कौन सी जगार एक्सीडेट टेजी एवं से एक्सीडेट को अन्य जने देखी देखी सारा पर गाँव रे आसी कही एमती गोटे से लोकर एक्सीडेट तार हाथ टी भांगी जा तापर से लोकटी आउ जन को कह हाथ सहित तो आउरी कौन भागी जाते जो गाँव रन्य लोक मैंने पहुंचुची से तो जो नॉलेज टी पहुंचुची से नॉलेज टा इनडायरेक्ट नॉलेज किंतु जड़े आसी निजे देखिकी प्रकृत कार कौन है डायरेक्ट नॉलेज ठीक सेमती प्रत्येक विषय से विषय प्रति एकाग्र है संकेन्द्रण है तास एकात्म है जो ज्ञान टी आहरण हुए डायरेक्ट नॉलेज जहाँ कह प्रत्यक्ष ज्ञान से प्रत्यक्ष ज्ञान जोगी जो जाने से प्रत्यक्ष ज्ञान जाने ये माँ गोटे सुंदर उदाहरण दे कौन ना जदि कौन सी जगार गोटे तोरण टे कर गोटे कंक्रीट तोरण कर तोरण कम कर दायित्व आम जब कौन सी इंजीनियर को दू ता इंजीनियर कौन करा आमको कौन दरकार शुणब तापर ताकू केमी कार्यरे परिणत कराठ को यूज करण फेराण गुणन हरण करतेमएम रड दरकार केते एमएम रोड़ी दरकार केते प्रपोर्शन रे बाली गोड़ी एवं सीमेंट मिसिबो से सब कैलकुलेशन करी को जगह रे केते एंगल रे बेंड हबो सब किछ हमको धरे दिए किंतु जने जोगी एते सब कैलकुलेट करे नी से डायरेक्ट देखे एते सब कैलकुलेट मिशाण फेराण किछ करिबा पई पड़े नी तार से संबंध रे किछ ज्ञान नथिला परी बोध हुए किंतु एते सब कैलकुलेट करे करिबा पड़े नी से जेते बेले से विषय प्रति एकाग्र हुए से नॉलेज टा स्वयं ता भितरे उदय हुए एवं कोठी कौन करिवार अछि केते प्रोपोर्शन रे मिसेबार अछि को पाखरे केते एंगल रहिबा अछि से सब स्वतःपूर्त भाव से कहि दे पारे तेणु जने इंजीनियर रो नॉलेज थारु ता नॉलेज टी अधिक प्रत्यक्ष तापर मां कहुचंती जोगी जावतीय वस्तु को जानी परिबो और अपनार दृष्टिगत भूमि और चेतनार अवस्थित रही से प्रत्येक प्रश्नर उत्तर दे परिबो एक साधारण भावरे एवं एक निर्दिष्ट अर्थरे एक कथाटी हुए तो सत्य हेले मध्य तथापि सेथिरु आमे कदापि एपरी अनुमान करि बसिबा नाही जे एपरी आदो कोनसी प्रश्न कदापि नाही जहार कि जोगी कौनसी उत्तर देव नाही बा देई परिबो नाही जेउ जोगी ठारे प्रत्यक्ष ज्ञान शक्ति रही वस्तु गुड़िकर यथार्थ सत्य विषय जी अवगत रही साधारण मनुष्यर संपूर्ण भावरे मानसिक नाना विरचना स्तर कौन सी प्रश्नर उत्तर देवा लगी से आदो आग्रह प्रकाश करिबो नाही अथवा से गुड़िकर उत्तर देवाकु से हुए तो कष्टकर बोली भी अनुभव कर जो जोगी मान प्रकृत ज्ञान रही माने जहा बाह्य दृष्टि आमको मिछ पी लगे कि प्रकृत ज्ञान अन्य जगार अच्छे गोटे उदाहरण टे ने बुद्धदेव को जी भल पाता जड़े से समय जड़े व्यक्ति बुद्धदेव को अजाणत श्रद्धारे मांस परसी दे थे एवं बुद्धदेव मध्य अति श्रद्धारे खाऊचन बुद्धदेवंकर जो शिष्य शिष्या माने थिले से माने भावु थांती आमको अहिंसार बाट देखाई ए स्वयं केमती
मांस भक्षण कर सब सर सारापर से बुद्धदेव को पचारे कहले आपति मंस खाइले आपम मान को से विषय सब बेले बारण करती केमती खाऊ से कहले ना तो मुझे खाई तो यहाँ गोटे सत्य आम साधारण अर्थ रे आकु कहिबा कौन ना गोटे मिथ्या कहले किंतु गुढ़ अर्थ रे देखिबा ताहले से कहते से समय से खाद्य को देखुना खाद्य कौन अच्छी कौन ना से देखुना से देखुं कौन ता भीतर थिबा श्रद्धा भाव को देखुं से श्रद्धा बाड़ूला ये श्रद्धा खाऊं ये श्रद्धा जिनस अंतर्गत जिनस अन्न को जना पड़े ना सेटा आउ टे अधिक सत्य ज्ञान से किए देखि पारती ना जोगी तापे एवं जोगी सब प्रश्न उत्तर देदेव से मन बड़ाए ना सब प्रश्न जाक जो प्रश्नर कि अर्थ ही नती अबांतर प्रश्न से जाक प्रश्नर उत्तर सी देवाई केबे मध्य आग्रह प्रकाश करिवो नहीं एपरिक कष्ट मध्य अनुभव करिवो तेणु आध्यात्मिक विषय जो रही से सबू आम बाह्य मन को संतुष्ट कलापर सी जमती जोगी केते बेले भी आम को उत्तर दियंती नहीं से प्रकृत तांकर दिव्य चक्षुरे जहा सत्य बोली देखी जहा परम सत्य बोली देखी ही से आम पाखे व्यक्त करती तो माँ परवर्ती पर्यायर कहते जोगी गोटे व्यापक शब्द जोगी अर्थ समस्त जोगी को एक बोली कह जाए पार एटा गोटे व्यापक शब्द किए आध्यात्मिक जोगी थिला बेले किए गुढ़ विद्यागत जोगी हो पारती तांकर शिक्षा प्रणाली तांकर धारा अलग रही थाई पारे तांकर सिद्धि एवं सफलता अनेक स्तर रे हो पारे समस्त गोटे स्तर रे सफलता हो पारे तो से जोगी मध्य से मानकर विभिन्न प्रकार भेद रही तेणु आम को देखा पड़ब जो जोगीटी समस्त प्रश्न उत्तर दे से को स्तर रे ही अच्छा से जदि अति साधारण स्तर रे मन स्तर रे मध्य जदि ना को केवल से जोगी आख्या पाई था किंतु स्तर रे किसी प्रगति हो न थाए ताहले से मध्य किसी प्रश्न उत्तर आम मान दे पारे ना किंबा से जो प्रश्न देवे प्रश्न उत्तर देवे अन्य मान पाखे ग्राह्य हो पार ना संतुष्टि आनी दे पार ना तापरे अन्य प्रश्न टी जीवा माँ को प्रश्न प्रश्न करा जाउछि वैज्ञानिक माने भी कौन बेले बेले मनोभूमि सीमा को अतिक्रम करी आहुरी आगु को चली जाती कि एपरी कहा जाए थाए जे तर्क बुद्धि कौन सी मानसिक प्रक्रिया द्वारा नुहे मात्र कौन सी गोटे प्रकार हठात उपलब्धि प्रेरणा द्वारा ही आइनस्टाइन तांकर आपेक्षिकतार सिद्धांत आसी उपनीत होइथिले से प्रेरणाटी सहित अति मानसर आद कौन सी संबंध रही कि प्रश्नटी समस्ते बुझिपारे ये माँ को जो प्रश्न करा जाइछि वैज्ञानिक माने भी मनर ऊर्ध को जाकि गोटे प्रेरणा द्वारा कौन सी सिद्धांत उपनीत होंती जमती आइनस्टाइन कर ल ऑफ रिलेटिविटी आपेक्षिकतार सिद्धांत से पहुंची थे सहित तो कौन अति मानस संबंध रही माँ कहते वैज्ञानिक माने मनर ऊर्ध स्तर को जाकि जेतेबले गोटे नूतन सत्यर उद्घाटन करती से सब कौटर हुए ना सम्बोधि मनर हुए जमती आमर साधारण मनर गोटे स्तर अच्छे जाक आम चित्त मनस बुद्धि एवं सत्य दृष्टि बोली कहू
ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ ଅଛି, ସେ ମନ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନ, ଡିଭାଇନ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ସେ ମନର ବି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଅଛି। ସେ ସ୍ତରରେ ଅଛି କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମେ ସେ ସ୍ତରରେ ଆସୁଛି ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ, ଉଚ୍ଚତର ମନ, ତାପରେ ଇଲ୍ୟୁମାଇଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ, ଆଲୋକିତ ମନ, ତାପରେ ଇଣ୍ଟୁଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମ୍ବୋଧିଗତ ମନ, ଏବଂ ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ, ଅଧିମନ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଚାରି ସ୍ତରରେ ଅଛି, ବେଳେବେଳେ ଯେମିତି ହଠାତ୍ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ବିଜୁଳି ମାରିଲା ପରେ ହଠାତ୍ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦିନ ଭଳି ସବୁଆଡ଼େ ଆଲୋକିତ କରିଦିଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ହଠାତ୍ ସେ ଚମକିଲା ପରି ସମ୍ବୋଧି କ'ଣ କରେ, ଆମ ଭିତରେ ଚମକି ଉଠେ ଏବଂ ଆମକୁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉପଲବ୍ଧି ଆଣିଦିଏ, ନୂଆ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଆମେ ସନ୍ଧାନଟିଏ ପାଉ। ଠିକ୍ ସେମିତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବି କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମନଟି ନିରବ ହେଇଯାଏ, ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏକାଗ୍ର ହେଇକି ଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧି ସ୍ତରରୁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଆସି ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ଏମିତି ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ଅଛି। ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡେନରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅବସରକୁ ବିତେଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନିରବରେ ବିତେଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ, ଏଇ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ନିୟମ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିଲା। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନଟି, ସାଧାରଣ ମନଟି ନିରବ ହେଇଯାଏ, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେଇ ସମ୍ବୋଧିଗତ ମନରୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅବତରଣ କରେ। ଏମିତି ମା କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତର ଶିକ୍ଷା ଏ ସାଧାରଣ ମନ ହବ ନାହିଁ, ଏବେ ସାଧାରଣ ମନ ସ୍ତରରେ ଆମେ ସବୁକିଛି ଶିକ୍ଷା କରୁଛେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ସମ୍ବୋଧିର ବିକାଶ ହବ, ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ବୋଧିଗତ ମନର ବିକାଶ ହବ, ଅତି ମାନସରେ ସେଇ ସମ୍ବୋଧିଗତ ମନର ବିକାଶ ହବ। ଆମକୁ ଏତେ ଇନ୍ଦ୍ରଜାକର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନଟି ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସିଧାସଳଖ ସମ୍ବୋଧିରୁ ଆମର ଜ୍ଞାନଟି, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନଟି ଆମେ ପାଇଯିବା। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ବୋଧି ମନରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ପ୍ରେରଣା ରୂପରେ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅତି ମାନସ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ଆମେ ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ର ଆୟତନରୁ ଟିକେ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଏମିତି ଚମତ୍କାର ସ୍ତର ସବୁ ଅଛି, ଯେମିତି ତା ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚମତ୍କାରିତା ଅଛି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଠି ସେ ରହିଯାଇ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଚମତ୍କାରିତାକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସେ ସହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସେ ରହିଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ସେଇଠୁ ଅତି ମାନସର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ବା ଅତି ମାନସର ସହିତ ସେଇ ସ୍ତରର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ସେମିତି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, କୋଉ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅଟକିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ଅତି ମାନସ, ଏବଂ ଯେତେ ଚମତ୍କୃତ ଜିନିଷ ଯାକ ଦେଖିବେ, ଏମିତି ମା ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସି ମାନେ ଦେଖାଯିବ ସେଇଠି, ଯଦି ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଭୂମି ଯାକ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଦେଖାଯିବ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଝଲସି ଯିବ, ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା ପରି ଅନୁଭବ ହବ, ତାର ଯୋଉ ବିପୁଳତାର ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଯେମିତି ଆମେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ଯାକ ଆସିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଅତି ମାନସ ବହୁତ ଦୂରରେ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଆମେ କହିପାରିବାନି ଅତି ମାନସିକ ଉପଲବ୍ଧି ତାହା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଜଣେ କହିପାରିବନି ଯେ ତା ସହିତ ଅତି ମାନସର ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି।
तापरे माँ कहते प्रत्येक पृथ्वी जिते सब विषय रही जोगी स्मृति गच्छित हो रही पार से खाली टिके एकाग्र हो गले से स्मृति रु पढ़ी दे पार कौन जेमती माँ को थरे हिस्ट्री क्लास रे माँ बस एवं हिस्ट्री पढ़ाऊला माँ को हिस्ट्री जहाँ लेखाई लेखाई सारा माँ जो माँ कहले सेम तो हे ना जन प्रश्न कले माँ एम तो बही लेखाई आम जान ना मुझे से जगार आ तो जहा कि पृथ्वी घटना घटी जा जहा कि पृथ्वी घटना जाऊँ गोटे स्मृति रही स्मृति रही स्मृति भितर स्टोर होती सबकि जिन से स्मृति को जे काढ़ पढ़ा को जानव जोगी जे कर पढ़ी से भी समस्त नलेज विषय समस्त प्रकार ज्ञान को सी आयत्त कर समस्त प्रश्न उत्तर से कही पार तेणु ता भितर कि असंभव नुहे किंतु मन रखु ये अतिमानस भूमि बहुत दूर रे थाए जब जड़े ये प्रकार पाखे पहुंची गला से पाखे पहुंचापी भी ताकू बहुत साधना करने को पड़ो माँ कहते जो आम कहे से पाखे पहुंचा साधना दरकार कौन कौन से कर इच्छा अनुसार से सब कमी पढ़ी पार ना से क्षेत्र में जा पहुंची पार लगी तुमको जड़स्त अर्थात भौतिक मनर जावतीय क्रियात्मकता को नीरव कर लगी क्षमता हासिल करने को पड़ी था आपणार जावतीय इंद्रियबोध को परिहार कर तुम साधारण मनस्तरीय जावतीय गतिस्पंदन को निर्वापित करदेक आपणार प्राणी मध्य बाहरी आसवाक शरीर दासत्व भितर मुक्त होगाक भी होता है तेब जा तुम्हें से ही राज्य मध्य प्रवेश कर पार और देखा समर्थ हो मात्र यही उद्यम करने लगी जदि तुम भितर जथेष आग्रह थाए तेबे तुम्हें निश्चय सेठे पहुंची पार एवं पृथ्वी स्मृतिर पटटी उपर जहाँ कि लेखाही तुम्हें से गुड़क निश्चय पाठ कर सबू निश्चय से भितर जो पढ़ी पार कि तथापि तार बहुत दूर अच्छी अतिमानसर भूमि ये सब उपलब्धि हो गला मान मोर अतिमानस निकटतर हो गला आम कही पार ना तापर माँ कहते जदि तुम्हें निरवतार गभीर मध्य प्रवेश कर तेबे तुम चेतनार एपरी गोटे स्तर में जा पहुंचब जो कि तुम जावतीय प्रश्नर उत्तर पाइबा लगी मोटे असंभव हम ना एवं जदि एपर जड़े व्यक्ति रही थे जे कि अति मानसर परिपूर्ण सत्य आड़ को सचेतन भाव उन्मुक्त हो पारे ता सहित सतत संस्पर्शन अवस्थान करुवे तेबे से सुनिश्चित भाव उत्तर देवार योग्य जेकोसी प्रश्नर उत्तर दे पारे अतिमानस प्रति परमालोकर प्रतिफलन द्वारा सी तापारे माँ कहते गोटे तो गोटे 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 स्तर कथा कहते से पृथ्वी स्मृति पटे जा पढ़ी किंतु जे अतिमानसर योगी से अतिमानसर आलोक जो प्रश्न गुड़िकर उत्तर दे हम ताकू से अतिमानसर प्रतिफलन से दे पारे जे अतिमानसिक योगी होते से जे प्राण सहित अतिमानसर शक्ति सहित संयोगीकृत होते से मध्य प्रकार भाव प्रत्येक प्रश्नर उत्तर से दे पार मात्र यही क्षेत्र में जहा कि पचरा वस्तु गुड़िकर पश्चात रही सत्य तथा वास्तव बद्धर कौन से ना कौन से क्षेत्र उद्भूत हो पार्थिवा दरकार प्रश्न मध्य से प्रकार होता दरकार जड़े जोगी से स्तर उत्तर दे पार किंतु अनेक प्रश्न रही
सबु जेपरी सेटा गोटे प्रश्न प्रश्न ही नुहे केते लोक केते जन प्रश्न करती कौन प्रश्न करेंगे से निजे जान नथा से प्रश्न टी अति माने अति जटिल है कि गोटे जाल पर बिछे रही था से प्रकार प्रश्न तो के मध्य दे पारे ना तेणु से प्रश्न मध्य से प्रकार माने सत्य उपरे आधार है रही दरकार ताहले जाए कि जने अति मनुष्य योग्यता को उत्तर दे पारे तापरे आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ जेतेबेले चेतना अतिमानस आनंदाभूतिर स्तर को उन्नीत हो जाए सेतेबेले कौन तहार मनस्तरीय व्यापार तथा वस्तु गुड़िक विषय आउ कौन से आग्रह रहे ना अति चमत्कार प्रश्न जड़े जदि जनकर चेतना से अतिमानस आनंदाभूति आड़ को पड़ोसी ताहले मनस्तरीय व्यापार ताकि आग्रह रहे कि उत्तर मन जेपरी आपणा आयतन वस्तु गुड़िक विषय आग्रह रही थाए अतिमानस सेगुड़िक सहित कदापि सेपरी भाव में आग्रह हो रही नथाय एटा साधारण कथा आम मनीष हेकि जन्म हेचे सिना आम भितर ए मनीषर भेषरे विभिन्न व्यक्ति अछंती पशु अछि उद्भिद अछि जेमती गोटे गोटे लोग किसी मनीष अच्छा जो मैंने अति जड़ स्तरीय किसी प्रचेषा करने बाहर किसी प्रचेषा करने को मानते गोटे सहज लाइफ से मानक बहुत भल लगे खाइबा पीवा शोवा ताऊपर बहुत स्ट्रेस दिखती कौन खाइबे ताऊपर बेस स्ट्रेस दिखती से प्रकार व्यक्ति जितेबले कौन सी गोटे आध्यात्मिक विषय भगवत टुंगी पाक आसती गोटे आध्यात्मिक आलोचना पाक आसती गोटे नीरव जगह को छाली जाती से समय ऑटोमेटिक निद्रा पड़े आसे कौन पाई आग्रह अन्य अच्छे ठीक से प्राण स्तर लोक अच्छा जो भिड़ हो बहुत उत्तेजनामय परिस्थिति जाक थे से मानक इंटरेस्ट लगे अन्य अन्य पाखे पहुंची गले निरस लगे ठीक से मन स्तर अच्छा जो आलोचना चली थोड़ी कम पड़ी से ओराजी हे जो केवल आलोचना चल थी से रे ठीक सेमती जे जदि अतिमान स्तर को पल जाए से मनोभूमि आयतन जो वस्तु गुड़ आसुची से विषय से आग्रह प्रकाश कै ना विश्व भुवन जावतीय व्यापार रे अतिमानस तार अपना रीति रे ही आग्रह प्रकाश करी थाए एक भिन्न दृष्टिकोण रु तथा अन्य एक भविष्य दृष्टि रखी ता से गुड़ कर आग्रह प्रकाश करी थाए से जदि आग्रह प्रकाश करे तार आग्रह प्रकाश रो धारा टी अलगा एवं उद्देश्य टी मध्य अलगा ही थाए जेमती आमे उदाहरण टे दे सार आइजाक न्यूटन जितेबले गार्डन रे बस फल टे पड़ा से जगार जदि जड़े ललुप व्यक्ति जहाँ खाद्य प्रिय थी से जदि था मन को कौन जुटी था आइजाक न्यूटन अति निर्बोध व्यक्ति केते सुंदर फल टे तले पड़ा न खाई कौन आध्यात्मिक माध्याकरण शक्ति से प्रकार आग्रह देख था से फल पड़वाटा किंतु आइजाक न्यूटन कौन देखते अलग स्टेज थी आग्रह अलग एवं तार दृष्टिकोण भिन्न हो जा गोटे एपुल को जड़े गोटे दृष्टि देखला बेले आउ जड़े अन्य दृष्टि देखती ठीक ठीक सेमती अतिमानस भूमि जो मैंने अच्छा से मैंने जदि कौन वस्तु आग्रह देखें ताहले से सब गोटे अलग दृष्टिकोण देखा जहाकि अत्यधिक सत्य माने ताठु अधिक रिलेटिवली अधिक ट्रुथ पृथ्वी अतिमानस सम्मुखरे एक संपूर्ण भिन्न उपरे आसी देखा दे थाए अतिमानस भूमि रे
अवलोकन रीति रे संपूर्ण भाव रे एक उत्क्रमण घटी थाए एवं मन आगरे जहा जेपरी भाव प्रतीत हो थाए अति मानस भूमि रु ता सर्वदा अन्य प्रकार दृष्ट हुए एवं अनेक समय रे संपूर्ण विपरीत मध्य देखा दिए जे माने सत्प्रेम मां को प्रश्न कले मा जो माने अधिक समाज रे जो व्यक्ति माने बहुत दुष्ट ही के अछंती से मानकर कोन रूपांतर हबो ने आमे यदि साधारण दृष्टि रु देखिबा जे दुर्दांत व्यक्ति माने जो माने अछंती से मानकर प्रति आमर मनोभाव कोन हबो ए माने केबे हेबे ने आंकु केते जन्म लागो किंतु मां कहउछंती से माने यदि टिकट टर्न हे जिवे तमठु आग्रे दौड़ के पड़े कौन पाई ताको भीतर जे असहयोग कर बेसी स्ट्रंग अच्छी से जदि सहयोग आड़ को आसीज ताहले से अति द्रुत गति से चल जापर अनेक बुद्धदेव समय रे विभिन्न अपराधी अंगुरी माला थिले जे कि अति तीव्र बेगर से पथर जापारे टिके खाली से मानकर सेठी गोटे मोड़ दरकार गोटे मोड़ हो गले से अति तीव्र बेगर जापार तेणु मन जहाँ देखुची ताठू विपरीत भी हो पारे सेठारे वस्तु गुड़िक संपूर्ण एक अन्य एक अर्थ धारण करती से गुड़िक विभाग टी गति तथा प्रक्रिया टी से गुड़िक सहित संबंधित हो रही सब किसी को अन्य चक्षुरे अवलोकन करिवारे लगी था एठारे सब किसी अतिमानस द्वारा ही अनुसूत होता है मनर जावतीय गतिस्पंदन प्राणी को जड़स्तरीय जावतीय गतिस्पंदन अतिमानस द्वारा अनुसूत हुए अतिमानस एक अत्यंत गभीर आग्रह सहित विश्व भुवन जावतीय क्रीड़ा को अनुसरण करिवारे लगी थाए सत मात्र एक संपूर्ण अन्य प्रकार आग्रह रे से गुड़िकर अनुसरण करे माँ गोटे सुंदर उदाहरण दौंती आम मैंने समस्ते कंढे नाच देखि कंढे नाच रे जड़े कंढे मान को नचौ थाए एवं जड़े कंढे नाच देखु थाए ये दुई लोकंर देखा जे कंढे नचौ थाए से कंढे मानकर समस्त सूत्र ताखे थाए से जेमिति करे कंढे माने सेपरी एवं ताकु समस्त प्रकार नॉलेज थाए के को सूत्र टी झिकवा पड़ो को सूत्र टी छाड़क पड़ो एवं यापर कौन हम से समस्त प्रति अचिंता भाव में थाए अति माने काम है थाए जदि से काम है रही ताहले सब किसी बिगड़ी जीव अति स्थिर है थाए किंतु से जो एक्ट कर जो प्रकार स्टोरी टीए चालू थाए जी देखु थाए से निहाती आपरे कौन हम तापरे कौन हम आर फलाफल टी कौन हम ते लास्ट एंडिंग टा कौन हम जे समय रे से दुख आसुव से समय रे से दुख रे कांदी पकाउथुव जो समय रे हास्यरोल आसुव से हास्यरोल रे भासी जाउथुव एमती अनेक किसी घटव ठीक सेमती अतिमानस एवं कथा बुझेबा जाए मम्मा उदाहरण दौंती अतिमानस अवस्थित जो मैंने थांती से जाको से भितरे गोटे कर्म भितरे थांती किंतु से कर्म रे नियंता है था से माने कर्म द्वारा बंधा हुंती ना से माने गोटे काम एंड पीस रही से काम जाको पूरण कर पारती तेणु ए प्रकार गोटे सुंदर उदाहरण दे मैं बुझाऊंटे आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ गोटे दीर्घ प्रश्न आमको अति नीरवरे एकाग्र हो शुणा पड़ो जदि जड़े व्यक्ति तार शारीरिक स्थिति रे एक परिवर्तन आनिबा को इच्छा करुची कौन से एक आरोग्य हासिल करने को चाहूँगी अथवा शरीर मध्य रही कौन सी अपूर्णतार एक संशोधन आनिबा को चाहूँगी तेरे से लगी प्रकृत में कौन सब ताकु जो लक्ष्य टीर उपलब्धि करने को हम से कौन तार चतुर्दिगरे आपणा को अभिनिविष्ट कर रखे आपणार इच्छा शक्ति को कार्य लगे ना से केवल यहीपरी एक
विश्वास रे बास करूथिव जे से लक्ष्य को निश्चय हासिल करिवो बा परम दिव्य शक्ति उचित समय रे तथा यथोचित मार्ग रे इप्सित फलटी को अवश्य संभव कराई आणिबे से केवल सेपरि एक विश्वास धरी अपेक्षा करी रहिबो। अति सुंदर प्रश्न मां को प्रश्न जो पचार जायछि आम मानक मन रे मध्ये प्रश्न थिवो आमे जेतेबेले कोन सी एमती चाहूचु आमर भल जिनस टे चाहूचु माने आमर शरीर को आरोग्य लाभ करबाक चाहूचु किंबा शरीर भितरे किछ अपूर्णता अछि संशोधन करबाक चाहूचु ताले सेथि लागि आमको कोन करबाक हो प्रथम दुटा ऑप्शन जे प्रश्नकर्ता कहउछथि ता लागि किछ काम करबाक पडिबो ना एही विश्वास रे जे मोर जहा केते बेले संशोधन करबाक कथा जेते बेले जहा हबाक कथा मा बुझिबे ए विश्वास करबाक पडिबो। मा तार उत्तर कहउछथि से गोटे कार्यर साधन करिबा लागि एगुडिक होउछि भिन्न भिन्न बाट ए भिन्न भिन्न परिस्थिति रे ए सबु जाक बाट हि फलप्रद भाव रे व्यवहृत होइ पारिबो। ए जेते बाट अछि कहिले जो उपरे आमे जहा आलोचना कलु से समस्त गोटे गोटे बाट से माध्यम रे जणे अप्रोच करि पारे केउं बाट बा पद्धति ग्रहण कले तुम्हें सबुठारु अधिक सफलता अर्जन करिपारिबो ताहा तुम्हें मध्यरे विकसित करे आनिबा चेतना उपरे निर्भर करिबो। जदि जणक भीतर पूर्ण विश्वास अछि मा निश्चय एटा करेबे सेटा भी ठीक कथा किंतु जणक जो भीतर एते पूर्ण विश्वास नाही ता भीतर गोटे प्रत्यय होउछि मते निश्चय करिया पड़िबो तेणु मते भी किछि प्रचेष्टा करिया पड़िबो सेटा गोटे अन्य स्तर कथा ए प्रत्येक जन जो स्तर रे अछि से स्तर नै कि काम करबा को पड़िबो तेणु आमे गोटे जनरल रूल करि परबा नै गोटे साधारण नियम करि परबा नै कि एही प्रकार ही उपयुक्त एही प्रकार उपयुक्त नै प्रत्येक व्यक्ति पई एही पंथाटी भिन्न भिन्न होइ पारे जणे मां को उपर भरोसा रखी कि विश्वास रखी कि निश्चय हबो बोली कहि पारे किंबा जणे मते किछि प्रता मांकर उपरे विश्वास रखी मत कि प्रचेषा करवा पड़ो से उपरे जड़े एकाग्र हो पाए तेणु आपको जदि आम अति डिटेल जीवा ताले आम पाखे समय ही न पारे तथापि आम चेष्टा करवा बुझापी तेणु दि प्रकार जो माँ बाट दुई प्रकार बाट जो कथा जो प्रश्नकर्ता करिसेंती ता उपरे मा ए प्रकार मंतव्य देइसेंती तुमे जे संपूर्ण भाव रे आरोग्य लाभ करिवो बा परिवर्तित होई पारी होई जाई पारिवो तुमे से परि एक चेतनार अवस्थित रही पारिवो आपणार अंतर्गत गठनर शक्ति टुकु प्रयोग करी तुमे ता उपरे क्रमशः इप्सित बाह्य परिवर्तनटी संभवी करि पारिवो अथवा जो शक्ति यही सब आरोग्य परिवर्तन को प्रकृत संभव करमें से शक्ति विषय अवगत थो आपणार चक्षु समुखे प्रत्यक्ष कर कौशल जदि तुम पाखे रही थो तेब तुम्हें से शक्ति को निश्चय आह्वान कर अवतरण कराइपर एवं जो अंश में तहार कार्यकारिता आवश्यकता रही तुम सत्तार से सब अंश सक्रिय कर तेबे से शक्ति तुम मध्य आवश्यक परिवर्तन टी अवश्य संभव करदेव अथवा पुनश्च आपणार जावतीय अड़ुआ समस्या को नहीं तुम्हें परम भगवत सत्ता सम्मुख में उपस्थापित करके आरोग्यर भिक्षा करगवत परम शक्ति संपूर्ण आस्थार सहित आपणार भरोसा रखिपर कि माँ कौन शेष जदि मो भितरे पूर्ण विश्वास अच्छी माने एपरे गोटे फिलिंग एटा निश्चय दुर्वित हम मु निश्चय करदे जाणी रखत आपण भितर से निश्चय यही लगी हम ना भगवान आपण को कथा शुणी तेणु भगवान से प्रकार निश्चयता जनक भितरे तैयारी होते बड़े जनक भितरे फुल कॉन्फिडेंस माने एटा गोटे प्राणर दम्भ नुह इटा गोटे भितर इनर सेप्टिट्यूड जिते बड़े जन पूर्ण निश्चयत मोर निश्चय ये रोगटी आरोग्य लाभ कर द्वारा
भगवान द्वारा निश्चय हासिल कर शक्ति कार्य कर सारा जी जाना हम ताहले जड़े ये प्रकार भाव पार जड़े दंभरे कहले से धरा पड़ज से कार्यटी संपादित हो पार ना कि जड़े तर अंतर्गत भाव गोटे निश्चयता बोध रू पार तार अर्थ ता भितरे माँ का शक्ति प्रवेश करके अति दृढ़ कर सारा एवं से शक्ति जो तार देहटी खराब अच्छी से रोगग्रस्त अच्छी ताऊपर कार्य आरंभ कर से समय तार ये प्रकार अनुभव टीए हम एवं माँ कहते तुम्हें कर्म कर किंतु फल प्राप्ति आशा रखिबो नहीं जो फल प्राप्ति आशा रख जड़े रखी कर्म जिते जाए से कर्म फलाफल बहुत बदली जाए जहा से कर्म करे से सब सब मूल्यहीन हो जाए जदि जिते फल प्राप्ति आशा रखी कौन सी कर्म टीए कै मत एमती कले एम फल मिली जदि जड़े करूए तो कौन पर आनंद कर जमती गोटे जंगल रे गोटे फूल फुटुची बगिचार गोटे फूल फुटुची अन्न को देखा फूल फुटू ना तार लाभ केते हम क्षति केते हम केते लोक देखा आसवे से लगे से फुटुनी से फुटबार आनंद फुटुची ठीक सेमती आमे माने मध्य जिते दुई प्रकार कर्म करवा से समय फल प्राप्ति आशा रखा नहीं जोटा करुवा तहरे ही आनंद मिलू जदि फलाफल आमको आनंद दे कार्यर कार्य कर प्रणाली आमको आनंद दौर ताल फलाफल को आनंद फलाफल आनंद प्रत्याशा करार आवश्यकता कौन अच्छी तेणु प्रत्येक मनुष्य को माँ कहते तुम्हें कर्म कर दु प्रकार कितु फल को दाबी करनी कि फल प्रति आसक्ति रखनी फल को सब यही प्रकार हो बोली चाहब ना तापर छोटिया प्रश्न रखी आम छोटिया प्रश्न एवं छोटिया उत्तर ताक रखी मुझे असंपूर्ण भाव या शेष करने को चाहूँगी नेक्स्ट क्लास क्लारीफाई करवा किसी प्रश्न ये माँ को प्रश्न है फल प्राप्ति विषय मोर आद कौन संदेह ना मोर जहा कि लोड़ा परम दिव्य सत्ता मत अवश्य देवे बोली मु भलो करी जानी एपरी कहवा द्वारा प्रकृत में कौन सी लाभ हुए कि माँ कहते हाँ तुम्हें इच्छा कले कथाटी को सेपरी भाव ग्रहण करिपारो तुम्हें जे आपणार विश्वास प्रगाढ़ रही पारुच हुए तो ताहरी अर्थ हो तुम्हें जहा किसी उद्देश्य रे सब ता निश्चय संपादित हब बोली परम दिव्य सत्ता इच्छा कर सारे तुम भितरे एक अविचलित विश्वास रही अर्थ हो परम दिव्य इच्छा तुम कार्यटी अवश्य विद्यमान रही तुम चेष्टार फल कौन हम से मध्य एक प्रणा प्रमाण सूचना मिल जा पार जन भाई ये प्रकार गोटे दृढ़ विश्वास ताले जानी रख भगवान इच्छा कर सारे तेणु जनकर दृढ़ विश्वास नहीं आमको आग को बढ़िया हम कौन ये अंधकार जगार ये दृढ़ विश्वास ही आम एकम्र सहारा ये पथरे किए मध्य आगर जाई ना आम रास्ता टी आम बाहर करने को पड़ो एवं यही रास्ता को बाहर करने को एक माध्यम माने आम पाखे साधन अच्छी दृढ़ विश्वास मध्यम आम कौन कर रास्ते आग को अग्रसर हो पार किसी प्रश्न रही जाइए आम आसंता सप्ताह आलोचना करवा ये रहा वंदे मातरम धन्यवाद भाई कार्यक्रम टी बहुत सुसुष्ट भाव आलोचना कर पार्ट टू रे समापन करवा सुंदर कथा लास्ट को कहते दृढ़ विश्वास रही सबकि साधित हो पार माँ गोटे बाणी प्रभु गोटे बाणी अच्छी पथर गदा उपर ठिया ये दृढ़ विश्वास उपर ठिया होता है सबकि संभव सबकि साधित हो पार दृढ़ विश्वास रखिले सबकि साधित हो पार माँ प्रभु दृढ़ विश्वास रखी
आम जी जेकोसी कार्य को आरंभ करने कार्यटी करने से कार्यटी संपूर्ण हम तेणुक आज आपणकर आलोचना चक्र को रखिंट बर्तमान आम समय ये गोटे संक्षिप्त मंत्र आम आलोचना कर कार्यक्रम को आम विरती घोषणा करवा अरविंद मीरा ओम श्री 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 अरविंद मीरा समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम प्रणाम प्रभु मान को चरण कमल रे पुनी प्रणिपात जनाई भाई को धन्यवाद ज्ञापन करी कार्यक्रम को आम एटी विरती घोषणा करवा ओ भाई।